हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स कंप्लीट करनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं जिसमें फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और सेकंड हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा है कि फ्लावर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन होता है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, उनमें गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेनली सिक्स स्टेप्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन एंथर में बनते हैं, उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, एग सेल का प्रोडक्शन कार्पल के ओव्यूल में होता है, उसको मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। थर्ड पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, किसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना पोलिनेशन होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने डेवलपमेंट के प्रोसेस को बोलते हैं। और लास्ट में फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, जो ओवरी पार्ट होता है उससे तो फ्रूट बन जाएगा और ओव्यूल पार्ट होगा उससे सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उनमें से स्टेप वाइज हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इनसाइड डायंथर ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर में जिस सेल में डिवीजन से पोलन ग्रेन बनते हैं उसको बोलते हैं पोलन मदर सेल, पीएमसी। एक पीएमसी में मियोसिस डिवीजन से चार पोलन ग्रेन बनते हैं। मैंने आपको बताया था गैमेट्स बनने के टाइम मियोसिस सेल डिवीजन होता है और गैमेट्स के प्रोडक्शन में जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उससे आधे क्रोमोसोम गैमेट के अंदर आएंगे। मतलब इस पेरेंट सेल में मान लीजिए 14 क्रोमोसोम थे तो 77 क्रोमोसोम आएंगे हर एक पोलन ग्रेन के अंदर। ठीक है, दूसरा स्टेप मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इनसाइड द ओविल ऑफ ओवरी। ओवरी के ये तो पूरा है कार्पल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये बेसल वाइट पार्ट है ओवरी, इसके अंदर है ओवरी। जिस तरह यहाँ पोलन मदर सेल थी, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल है क्योंकि एग सेल का दूसरा नाम मेगास्पोर भी है। मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें भी 2N यानी कि क्रोमोसोम्स का डबल सेट है। इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस होगा तो एक तो एग सेल बनेगी और कुछ और भी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देखो क्या क्या इस ओवल में, ये तो एग सेल बन गई N, 2N का मतलब दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के और N का मतलब सिंगल सेट होता है। ऊपर तीन सेल बनेंगी, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, N N N N तीन। बीच में सेंट्रल सेल बनेगी, उसमें दो न्यूक्लियस है इसलिए ये हो गया 2N। नीचे तीन सेल है, उनमें से बड़ी वाली सेल एग सेल है N और दोनों साइड में सिनर्जिक सेल है N N। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, एक एग सेल का फॉर्मेशन होगा, तीन एंटीपोडल, एक सेंट्रल सेल और दो सिनर्जिक सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो गैमेट्स बन चुके, अब गैमेट का ट्रांसफर यानी कि तीसरी स्टेप आई पोलिनेशन। बनाइए इसको, लिखिए नेक्स्ट स्टेप है थर्ड स्टेप पोलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। पोलिनेशन के मेनली दो टाइप है, ऑटोगेमी एलोगेमी। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन और एलोगेमी मतलब क्रॉस पोलिनेशन। जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन, और जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर हो तो इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन या एलोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी एलोगेमी। अब एलोगेमी अगर हो तो एलोगेमी दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर एलोगेमी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के एंथर पर हो और दोनों ही फ्लावर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर और दोनों ही फ्लावर एक ही प्लांट पर लगे हों उसको बोलेंगे जीटोनोगेमी। और जीनोगेमी ये होता है जिसमें एक प्लांट पर फ्लावर लगा है उसके एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पर फ्लावर लगा हुआ है उसकी स्टिग्मा पर जाए, मतलब प्लांट ही अलग अलग हो गए, उसको बोलते हैं जीनोगेमी। ठीक है, जैसे देखो मैंने 1, 2 और 3 यहां पर डाला है,
तो वन तो क्या हो गया, उसी लार के एंथर से उसी की स्टिग्मा पर, इसको स्टिग्मा की तरफ पैर होगा। टू क्या होगा, उसी प्लांट पर प्रेजेंट दो फ्लावर्स के एंथर टू स्टिग्मा, और थ्री क्या होगा, दो अलग अलग प्लांट्स के एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ये इस फॉर्मल फ्लो चार्ट बनाना है आपको। एक बार रीड कर देता हूं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, एलोकेमी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, इसके दो टाइप है। जीटोनोगेमी द टाइप ऑफ एलोगेमी इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स लोकेटेड ऑन सेम प्लांट। जीनोगेमी द टाइप ऑफ एलोगेमी इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, लेकिन ये दोनों प्लांट सेम स्पीसीज के होने चाहिए तभी पोलिनेशन बना है। तो पोलिनेशन करने में कौन कौन हेल्प करता है, बहुत सारे एजेंट्स है, उनके नाम लिखें, नोट करें। सम एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन आर एयर, वाटर, इंसेक्ट्स एटसेट्रा। तो तीन डेफिनेशन लिखेंगे, ए लिखिए एनिमोफिली, ए एन ई एम ओ पी एच आई एल वाई, एनिमोफिली। इसके आगे लिखे, पोलिनेशन थ्रू एयर इज कॉल्ड एनिमोफिली फुल स्टॉप। सच फ्लावर्स डू नॉट हैव अट्रैक्टिव कलर्स एंड फ्रेग्रेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्रास एक्सेट्रा। ठीक है, सेकेंड हेडिंग लिखे हाइड्रोफिली, एच वाई डी आर ओ पी एच वाई पी एच आई एल वाई। द पोलिनेशन थ्रू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली फुल स्टॉप। सच फ्लावर्स डू नॉट हैव अट्रैक्टिव कलर्स एंड फ्रेग्रेंस फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल जूस्टेरा, वेलिसनेरिया, और थर्ड लिखें एंटोमोफिली, द पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोफिली फुल स्टॉप। सच फ्लावर्स हैव अट्रैक्टिव कलर्स फ्रेग्रेंस एंड नेक्टार, एन ई सी टी ए आर, नेक्टार फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल रोज, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो पोलिनेशन का मतलब ये कि एंथर से पोलन ग्रेन जो बना था माइक्रोस्पोरोजेनिक प्रोसेस के थ्रू वो ट्रांसफर होकर अब आ गया है स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके। ठीक है, तो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद अब वो पोलन ट्यूब बना के अंदर फर्टिलाइजेशन करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप फोर्थ हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप है डबल फर्टिलाइजेशन। वैसे फर्टिलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में एक एक्सक्लूसिव इवेंट है जो कहीं और नहीं होता, उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे होता है पहले आप समझे, फिर मैं स्टेप वाइज आपको लिखाऊंगा। मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद ये एग सेल और ये सारी सेल बन गई थी ओव्यूल में, एंथर में पोलन ग्रेन बन चुका था, और उसके बाद पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया था पोलिनेशन से स्टिग्मा पर। ये बहुत सारे पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर गिर गए। अब इन पोलन ग्रेन्स की चेकिंग होगी कि ये अपनी ही स्पीसीज के हैं, अलग स्पीसीज के हैं। अगर ये सेम स्पीसीज के होंगे तो ये स्टिग्मा इन पोलन ग्रेन्स को कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, जिससे कि ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो ट्यूब आ रही है इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, पोलन ट्यूब एंटर होने के बाद जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके दो बना लेगा, वो दो बनते हैं मेल गैमेट। इसका मतलब एक पोलन ग्रेन से बनते हैं दो मेल गैमेट। फिर ये पोलन ट्यूब आगे जाएगी स्टाइल के थ्रू और घूमती हुई जाएगी कहां पर, सिनर्जिड के पास। यहां सिनर्जिड के थ्रू एंटर होगी, जिससे सिनर्जिड साइज की डेथ हो जाएगी। दोनों मेल गैमेट अब किसके अंदर आ गए, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल में जो सेंट्रल सेल है उसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा। सेंट्रल सेल 2n है, दो सेट है क्रोमोसोम के, मेल गैमेट n है। इन दोनों की फ्यूजन के प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, और इनसे बनने वाली सेल को प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं। एक मेल गैमेट का काम हो गया। दूसरा मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होगा, मेल गैमेट भी n है और एग सेल भी n है। इस प्रोसेस को सिनगेमी बोलते हैं, जिससे जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जायगोट 2n बनेगा। एंड टू एंड का मतलब ये होता है सिंगल सेट
डबल सेट या ट्रिपल सेट, ठीक है, इन दोनों प्रोसेसेस को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है, अच्छे से बड़ा डायग्राम बनाकर इसको अच्छे से लेबल करना है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन सुनिए, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद एग सेल, एक मेल गैमेट का एग सेल के साथ, प्रोसेस को सिंगेमिंग बोलते हैं, टू फॉर्म जाइगोट एंड अनदर मेल गैमेट विद सेंट्रल सेल, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, पहले वो डेफिनेशन लिखिए, फिर ये डायग्राम बनाए, पूरा बड़ा सा बनाए, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, सिंगल क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं, ये पूरा डायग्राम बनाए, फिगर प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन लिखें और इसके नीचे ये डेफिनेशन लिखें, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद एग सेल सिंगल टू फॉर्म जायगोट एंड अनदर मेल गैमेट विद सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखने के बाद अब मैं बोल रहा हूं वो लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप वन, पोलन ग्रेन ऑफ सेम स्पीसीज एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स ऑन स्टिग्मा एंड फॉर्म्स पोलन ट्यूब। स्टेप टू, पोलन ट्यूब moves through style and nucleus of pollen grain divides to form two male gametes. Step third, pollen tube enters the ovule through one of the synergids and releases its contents into ovule. Fourth step, process of double fertilization takes place. फिफ्थ स्टेप, स्टेप फिफ्थ लिखें, एंटीबॉडल्स सिनर्जिड्स डीजनरेट एंड ओव्यूल कंटेन्स टू सेल्स दैट इज जाइगोट एंड पीईसी टू सेल्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप सिक्स, ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स लाइक सेपल्स पेटल्स स्टिग्मा स्टाइल एंथर फिलामेंट फॉल ऑफ फ्रॉम द फ्लावर। ओके, सिक्स स्टेप्स हो गई, स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद फिर अगला पॉइंट, नया पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड पीईसी विल फॉर्म द न्यूट्रिटिव टिश्यू टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फुल स्टॉप। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप ये कंप्लीट हो गया है, क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, डायग्राम, फिर वो डेफिनेशन और फिर जो मैंने ये पॉइंट्स बोले हैं ये सारे लिखने। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप पढ़ेंगे, देखें, नेक्स्ट स्टेप है एम्ब्रियोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एम्ब्रियो डेवलप होगा, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। Just after double fertilization, ovule contains two cells, that is zygote and PEC. सारी cells degenerate हो जाती हैं, flower के सारे parts remove हो जाते हैं। बस उस ovule के अंदर triple fusion से बना हुआ primary endosperm cell और syngamy से बना हुआ zygote present होगा। PEC divides to form endosperm tissue, which provides nutrition during the embryo development, while zygote develops into embryo. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का क्या काम है, ये डिवाइड करके ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी जब एम्ब्रियो डेवलप होगा, और जाइगोट का क्या काम है, जो खुद एम्ब्रियो में डेवलप होगा। एम्ब्रियो इज पैक्ड इनटू सीड, एक प्लांट का एम्ब्रियो हमेशा सीड के अंदर रहता है। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस, उसके बाद फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, आफ्टर कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड एंड ओवरी राइपन्स एज फ्रूट, हेंस सीड्स आर पैक्ड इनटू फ्रूट्स। ओवरी के अंदर ओव्यूल था तो ओवरी तो बन गया फ्रूट, और ओव्यूल बन गया सीड तो फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक सीड में क्या क्या चीजें होती हैं, सीड इज इक्वल टू सीड कोट एंड एम्ब्रियो। सीड कोट मतलब कवरिंग ऑफ सीड दो होती है, बाहर वाली को बोलते हैं टेस्टा, अंदर वाली को बोलते हैं टैगमन, और एम्ब्रियो में तीन पार्ट होते हैं, रेडिकल, प्लूम्यूल और कोटिलेडन।
ये पूरा सी फ्यूचर में एक नया प्लांट बनाएगा तो उस प्लांट की रूट किससे बनेगी? रेडिकल से। उस प्लांट की स्टेम किससे बनेगा? प्लूमियल से। और नया प्लांट जब तक पहली लीफ ना आ जाए उसमें तब तक उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेंगे? कोटिलीडर। ठीक है, कोटिलीडर एक भी हो सकता है मोनोकोट में और कोटिलीडर दो भी हो सकते हैं डाइकोट्स के अंदर। ये हुआ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। सीड के बारे में बता दिया, फ्रूट के टाइप और बता देता हूं। लिखे फ्रूट एक प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से डेवलप होता है। फ्रूट्स के तीन टाइप होते हैं, ट्रू फॉल्स पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, तो इसी फॉर्म में बनाएंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर ये एग्जांपल लिखेंगे। ट्रू के नीचे लिखें द फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम ओवरी ऑफ द प्लांट, फॉल्स में लिखें द फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम ओवरी एंड अनदर फ्लावर पार्ट, मतलब ओवरी के साथ साथ कोई और फ्लावर पार्ट भी उसके साथ यूज होता है। और पार्थेनोकार्पिक में लेके डेफिनेशन द फ्रूट्स विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। और फिर इनके एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स और सीड्स के टाइप कंप्लीट होने पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ओके, थैंक यू।